औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आउं आया तुम्हारा टीचर नज़ीर हुसैन लाशारी। अज अस डिस्कस करासी जनरल साइंस जो लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में असो टॉपिक है, सेल। सेल के बारे में तकरीबन बेसिक नॉलेज है, अचो तो इनके असा डिटेल से पढ़ासी। ठीक थी, पे सब का पे सेल की डेफिनेशन पढ़ासी। कें कें ये होंगे अब एम सी क्यूज पुछी रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेल। सेल के मुताबिक कड़ी कड़ी करेक्ट स्टेटमेंट थी सी। अचो ऐसो व्हाट इज सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह माना सभी के खबर है सेल स्ट्रक्चरल यूनिट बाय स्मॉलेस्ट बाय बेसिक बाय फंक्शनल बाय स्ट्रक्चरल बाय। यानी ये चीज सोचा स्मॉलेस्ट माना नंढे का नंढो, ठीक है। बेसिक यानी बुनियाद है। स्ट्रक्चरल यानी जेका शे ठयल हुंदी, जेका शे ठहण जो वजूद ठाईंदी उनके स्ट्रक्चरल चबो है। यानी जेका शे ही सेल मिली करे जेको सो ठहन ठाईन था ना, इन जे करे नेका सचा स्ट्रक्चरल यूनिट। उनका वो फंक्शनल यूनिट केड़ो है। फंक्शनल यूनिट जो मतलब है जेको कम कंदड़ वारो जो हो हिस्सो हो जे बेसिस से जो पूरी लाइफ जो वजूद है या पूरी लाइफ जो कम है वो सेल की बेसिस से। जो सेल न हो तो पूरी लाइफ जो कम न थी सके। ठीक है, अच्छा हाँ ऐसा स्मॉलेस्ट इन माइक्रोस्कोप से स्मॉलेस्ट यानी जो असा माइक्रोस्कोप से ऐसी सूं अख से ना ऐसी आम अख से ना ऐसी सूँ। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेल। सेल जहाँ घना पार्ट्स हैं। सेल जहाँ मेनली टे पार्ट्स डिस्कस किया वह मेनली थ्री पार्ट डिस्कवर किया वह। नंबर वन कड़ो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। उनका साइटोप्लाज न्यूक्लियस, उनका साइटोप्लाज्म। अचो थोड़ा सा इनको स्ट्रक्चर ठाई। मिसाल खी चूँ हि असो सेल है, ये असो न्यूक्लियस है। हाँ हि जो बाहर जो पार्ट है एक्सटर्नल पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उनका हि जो विच ओवर पार्ट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ न्यूक्लियस के बाहर जो ये दीवार है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर। मेम्ब्रेन चई सको इनके अचो। हाँ साइटोप्लाज्म लदो ही को। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब है तो हि जो सेल मेम्ब्रेन है इन का वी कर सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस का वी कर सेल मेम्ब्रेन तीन जो भी डिस्टेंस है या इनमें ये जो स्पेस है न सिर्फ इतने पर या इतने या हेडे या हेडे या हेडे जिथे जिथा भी एंगल से खड़ोस जिथा भी ये प्रेजेंट हों। दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म छाजो ठहल हों। साइटोप्लाज्म ठहल हों जेली लाइक सबस्टेंस जो फिल्युड जो ठहल हों। इन फिल्युड में प्रेजेंट हों, इन में ऑर्गेनेल वगैरह प्रेजेंट हों। मिसाल खी चुनाव इतने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट है। इन में असा राइबोसोम्स प्रेजेंट हों। इन में असा मिसाल खी गॉल्जी बॉडीज प्रेजेंट हों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हों। ठीक थी, इन में बी शूं काफ़ी बो असो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट हों। इन में असा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हों। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हों। डीएनए प्रेजेंट हों। आरएनए वो जो हों प्यो डीएनए प्रेजेंट में न्यूक्लियस में प्रेजेंट हों। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हों। सो आरएनए जो मतलब मूवमेंट कर रहा है इन के असा डीएनए असा सिर्फ सिर्फ न्यूक्लियस में रखा मतलब पो हों वो मूवमेंट ना कह सिर्फ न्यूक्लियस में पो हों बार न मूवमेंट कह। ठीक थी, अच्छा हाँ चुंद सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के डिफाइन क्या कहसी अचो तो ऐसा था सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल। सेल के बारा सराउंडिंग है तो बुधा चुकोस। उनका एंड कंट्रोल द सबस्टेंस दैट गोज इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे असा इन जहाँ सेल मेम्ब्रेन थोड़ा फंक्शंस पढ़ा सी ना। सेल मेम्ब्रेन होंगी है सेमी परमीएबल। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमीएबल। सेल मेम्ब्रेन छा सेमी परमीएबल। सेमी परमीएबल मतलब है तो कुछ शयन के वन डींदी कुछ शयन के वन ना डींदी उनके चब है सेमी परमीएबल। ठीक थी, अच्छा हि भी गाल समझी तो कुछ सबस्टेंस के इन आई आउट ये खड़ी चाहिए कि असा गार्ड चई सूँ था गार्ड हों घर के बाहर तो कुछ मानून के लिमिटेड मानून के अंदर छड़ी लिमिटेड मानून के बाहर मतलब बाहर चाहो चाहता तुम वो बाहर तेज कम ना छो जो फैमिली मेम्बर्स हों उन्होंने छड़ी बेन के कौन छड़े। ठीक है, अच्छा उनका असो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इट इज़ द राउंड शेप्ड राउंड शेप्ड पार्ट प्रेजेंट इन सेल। सेल के अंदर मौजूद हों एंड मेड ऑफ डबल मेम्ब्रेन। यो जो है न्यूक्लियस जो सो डबल मेम्ब्रेन हों।
मतलब ॿी मेम्ब्रेन हूंदी आहे जेका सेल मेम्ब्रेन हूंदी आहे इहा डबल मेम्ब्रेन हूंदी आहे इहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जी ठहियलु हूंदी आहे उहो वरी स्ट्रक्चर ॾिसंदासीं अॻिते हली डिस्कस कंदासीं इनशाला डिटेल सां ठीकु थी वियो मेड ऑफ डबल मेम्ब्रेन ठहियलु हूंदी आहे एंड कंटेंट्स छा एग्ज़िस्ट कंदी आहे कंटेंट छा कंदी आहे उहो असीं ॾिसंदा कंटेंट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स कंट्रोल्स हीअ कंट्रोल सभिनी सेल जी सेल्स की एक्टिविटीज़ खे कंट्रोल कंदी आहे उन कंट्रोल कंदो आहे न्यूक्लियस बिकॉज़ छाजे करे बिकॉज़ इट हैज़ क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट आहे हिन में जेनेटिक मटीरियल प्रेज़ेंट आहे उन जेनेटिक मटीरियल में छा छा अची थो वञे इन में असांजो डी एन ए अची थो वञे ठीक आहे ऐं डी एन ए जे वरी अॻिते पढ़ंदासीं हिन में हिस्टोन प्रोटीन्स हुन में साइड हिन में क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन प्रेज़ेंट हूंदियूं आहिनि उहो वरी डिटेल जी ॻाल्हि आहे उहो डिटेल में करे पढ़ी वठंदासीं ठीक आहे भाउ हिन में छा प्रेज़ेंट हूंदो आहे डी एन ए डी एन ए जेको सॼो सॼो इंफॉर्मेशन सॼी इंफॉर्मेशन कैरी कंदो आहे अचो हाणे चवंदा असांजो हिनजो लास्ट पार्ट जेको आहे सो साइटोप्लाज़म साइटोप्लाज़म खे असां डिफाइन कीअं कंदासीं अचो त ॾिसूं था इट इज़ द सेमी फ्लूइड सबस्टेंस इहो हिकिड़ो फ्लूइड सबस्टेंस आहे यानी ईअं खणी चयोसि वाटररी फ्लूइड आहे सेमी फ्लूइड खे छा ॾिसूं था त हिन में तक़रीबन 70% जेको आहे वाटर प्रेज़ेंट हूंदो आहे 70 to 90% वाटर ई हूंदो आहे वाटर जो ठहियलु हूंदो आहे बाक़ी ॿियो कुझु आर्गनेल वग़ैरह अची था वञनि ॿियो ड्राई वेट हूंदो आहे ठीकु थी वियो अच्छा सेमी इट इज़ सेमी फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ सेल सेल जो सेमी फ्लूइड सबस्टेंस आहे दैट इज़ एक्सटर्नल टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खां मथे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे हिन खां मथे अच्छा थोरो हिनखे थोरो जेको आहे ॿिए मार्कर सां ॾिसूं था हीअ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे हिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खां मथे एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू द सेल मेम्ब्रेन ऐं इंटरनल सेल मेम्ब्रेन जे हीअ सेल मेम्ब्रेन आहे हिन खां अंदरि हाणे हीअ जेको बि सेल मेम्ब्रेन जे अंदरि ऐं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खां ॿाहिरि जेको बि मटीरियल आहे प्रेज़ेंट पियो आहे दैट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज़म ठीकु आहे इहा शइ यादि रखणु ज़रूरी आहे अचो त हलूं था असां नेक्स्ट पेज ते नेक्स्ट पेज ते वरी ॾिसूं था हिन जे विच में सेल जे बारे में छा आहे सेल जे बारे में नेक्स्ट पेज ते असांजो आहे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल जे प्लांट सेल एनिमल सेल जे विच में डिफरेंस आहे त प्लांट सेल खे असां डिफाइन कीअं कंदासीं एंड एनिमल सेल खे डिफाइन कीअं कंदासीं अचो त ॾिसूं था सभ खां पहिरियां सेल मेम्ब्रेन हिन में प्रेज़ेंट हूंदी आहे कंहिंमें एनिमल सेल में ऐं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेज़ेंट हूंदी आहे अचो त थोरो हिन जो स्ट्रक्चर बि ठाहे वठो मिसाल हीअ नंढो ठाहियोसीं स्ट्रक्चर हीअ न्यूक्लियस ऐं हीअ सेल मेम्ब्रेन अचो प्लांट सेल खे ॾिसूं था प्लांट सेल हूंदो आहे तक़रीबन माना ईअं खणी चयोसि त हिन टाइप जो सॉरी इहे हूंदी तक़रीबन सेल प्लांट सेल में हिते असांजो वॾे खां वॾो हिते साइटो जो वैक्यूल हूंदो आहे ऐं हिन ते नंढो हिकिड़ो न्यूक्लियस प्रेज़ेंट हूंदो आहे हीअ शेप आहे असांजो प्लांट सेल जो हीअ आहे एनिमल सेल जो ठीकु थी वियो उन खां पोइ इरेग्युलर आर राउंड शेप्ड हीअ कॾहिं कॾहिं इरेग्युलर थी सघे थो मिसाल करे कॾहिं कॾहिं हीअं थी चई सघूं था इरेग्युलर शेप छो जो हीअ यूनिसेल्युलर अमोब आहे हिन जे ॿाहिरां हीअ सेल मेम्ब्रेन आहे त इहा जेका एनिमल सेल आहे तक़रीबन कॾहिं ईअं खणी चओ त इरेग्युलर शेप या राउंड शेप थी सघे थो अचो हीअ छा हूंदो आहे हीअ हूंदो आहे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप रेक्टेंगुलर मतिलबु आहे त उहो पार्ट जोमेट्री में पढ़ियो हूंदो आहे मिसाल रेक्टेंगुलर मतिलबु आहे त हिन जी ॿई अपोज़िट साइड्स हीअ अपोज़िट साइड बराबरि हुजे हिन जे हीअ अपोज़िट साइड हिन जे बराबरि हुजे यानी अपोज़िट साइड जेकी हूंदियूं उहे बराबरि हूंदियूं हीअ हेॾां ॿई अपोज़िट साइड बराबरि हेॾां हीअ ॿई अपोज़िट साइड बराबरि ठीक आहे हीअ बि बराबरि हुजनि हीअ बि बराबरि हुजनि हिनखे चइबो आहे छा रेक्टेंगुलर सो रेक्टेंगुलर शेप थी सघे थो स्क्वायर शेप थी सघे थो अचो सेंट्रोज़ोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेज़ेंट हिन में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोज़ोम्स प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि पर प्लांट सेल में एब्सेंट हूंदा आहिनि ठीकु थी वियो अच्छा उन खां पोइ वैक्यूल्स आर यूजुअली स्मॉल एंड समटाइम्स एब्सेंट एनिमल सेल में माना नंढड़ा हूंदा आहिनि घणा बि थी सघनि था कॾहिं कॾहिं वरी न बि माना पॉसिबल आहे कुझु कुझु अहिड़ा सेल आहिनि जंहिंमें वैक्यूल वग़ैरह न बि हूंदा आहिनि ठीकु थी वियो अचो वैक्यूल आर फ्यू या वैक्यूल कुझु थी सघनि था आर सिंगल लार्ज या उहो जीअं ॾिसो हिन में लिखे थो न त हीअ जेको वॾो स्ट्रक्चर आहे हिन में इहो आहे वैक्यूल जो नंढो जेको अथसि इहो न्यूक्लियस अथसि सो हिन में ॾिसंदा त वैक्यूल्स आर फ्यू कुझु थी सघनि था आर सिंगल बट लार्ज पर हिकिड़ो वॾो थी सघे थो अचो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ प्रेज़ेंट बट न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया हिन में प्रेज़ेंट हूंदो आहे कंहिंमें एनिमल सेल में पर घणा हूंदा आहिनि हिक खां वधीक थी सघनि था पर हिन में ॾिसंदा त माइटोकॉन्ड्रिया इज़ प्रेज़ेंट बट फ्यू हिन में माइटोकॉन्ड्रिया आहिनि पर फ्यू घटि आहिनि
सही है, ये क्लियर हो जाए। उन नंबर सिक्स आए हेटरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉप्स से मतलब आए तो बे कें भाड़ींदड़। अस उन में इकोसिस्टम जो टॉपिक पढ़ो हो उन में अस क्लियर शे कर आया हूँ तो हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप चब कंज्यूमर चब मतलब ये सब पढ़ी आया। ठीक है, हेटरोट्रॉफ यानी वो जो कें बे ऑर्गेनिज्म से भाड़े यानी बे कें ठयल खाधो खाए पाँ न ठाए। ठीक है, कुछ अड़ी एक स्टूडेंट सर पुछो तो सर अस भाजी मानी कंदा जो आई पर पुट भाजी मानी तो कंदा पर वो कें बे जो मतलब प्लांट प्रोडक्ट है ना अस पाँच कड़ी प्रोडक्ट ठाई प्लांट प्रोडक्ट में अस खाई कर उसे गेन कर सिर्फ ब्रेकडाउन कर खाई बाकी पाँच प्रोडक्ट का को सो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट सेल सिर्फ ऑटोट्रॉफ हूँ। ऑटोट्रॉफ यानी ही पाँ खाधो पा तैयार करो खाधो कड़ो तैयार कह सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कड़े प्रोसेस के जरिए यो फोटोसिंथेसिस के जरिए फोटोसिंथेसिस के जरिए ठाईंदा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए ठाईंदा यो कार्बन डाइऑक्साइड वो 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 लेंदी थी वो। ठीक है, फिलहाल इसी याद रखो तो फोटोसिंथेसिस के जरिए पाँ खाधो पा तैयार कह दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज तैयार कर ग्लूकोज यो फूड है ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा उन सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गॉल्जी अपैरेटस इज प्रेजेंट। इनमें गॉल्जी अपैरेटस सिंगल हों वो हों अचो इनमें मेन ही सिंपल यूनिट ऑफ गॉल्जी अपैरेटस मेन ही हों पर उनके साथ चब है डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स उनके चब है ऐसी असो अजोको लेक्चर जो तमाम वो थे बारह मिनटों को इतने खत्म था क्यों इनशाला नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे इनका इनशाला डिफाइन कर सो मुझे इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।